आज बात एशिया और यूरोप के बीच फंसे एक ऐसे देश की जहां बहुत कुछ घट रहा है। नमस्कार, मैं हूं रोहित सिंह और आप देख रहे हैं TripleDotCom। अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप क्या होगा तुर्की में मस्जिद, चर्च या म्यूजियम? तुर्की इन दिनों अपने राजनीतिक घटनाक्रम से पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हागिया सोफिया इस इमारत ने एक बार फिर तुर्की में विवादों को जन्म दे दिया है। इसका इतिहास जितना पुराना है उतने ही पुराने इससे जुड़े विवाद भी हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इसका कुछ भाग यूरोप में तथा अधिकांश भाग एशिया में पड़ता है, अतः इसे यूरोप एवं एशिया के बीच का पुल भी कहा जाता है। एजियन सागर के पतले जलखंड के बीच में आ जाने से इस पुल को दो भाग में बांट दिया जाता है, इसलिए यूरोपियन टर्की और एशियाई टर्की भी इसे कहते हैं। टर्की से ये दोनों भाग मास पोरस नदी के किनारे पर हैं। तो तुर्की चर्चा में इस वक्त क्यों है, इस बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले आमिर खान के साथ तुर्की की प्रथम महिला की फोटो वायरल हुई थी। तब से आमिर खान भारत में देशद्रोही बने हुए हैं। इसके अलावा तुर्की दुनिया भर में एक और वजह से चर्चा में है, वो है 86 साल तक म्यूजियम रहने के बाद इस्तांबुल के सांस्कृतिक धरोहर हागिया सोफिया को फिर से मस्जिद में तब्दील किया जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन ने पिछले साल चुनाव में इसे मस्जिद बनाने का वादा भी किया था, जिस वादे को अब वो पूरा करने जा रहे हैं। इतिहास क्या कहता है तुर्की के बारे में? यूरोप और एशिया को बांटने वाली बॉस्पोरस की पहाड़ियों में बने हागिया सोफिया का 15 सदी का इतिहास रहा है। इसमें पूरब और पश्चिम दोनों की संस्कृति देखने को मिलती है और इसमें इजरायत और इस्लाम दोनों पर गहरा असर डाला है। बाइजेंटाइनी सम्राट जस्टिनियन प्रथम ने इस इमारत को 6 सदी में ऑर्थोडॉक्स ईसाई गिरजे के तौर पर बनवाया था। यह रोमन साम्राज्य का प्रमुख चर्च था और करीब 1000 साल तक दुनिया का सबसे बड़ा चर्च भी रहा था। गौरतलब है कि 1500 साल पुरानी यूनेस्को की ये विश्व विरासत मूल रूप से मस्जिद बनने से पहले चर्च थी और 1930 के दशक में म्यूजियम बना दिया गया था। 1500 साल पुराने चर्च को पहले मस्जिद, फिर म्यूजियम बनाया गया, अब फिर मस्जिद बनाने का फैसला किया जा रहा है। तो यही है पूरा विवाद। जब चर्च की नींव पड़ी तब क्या हुआ? सम्राट जस्टिन ने सन 532 में एक भव्य चर्च का निर्माण का आदेश दिया था। उन दिनों इस्तांबुल को कुस्तुनतुनिया के नाम से भी जाना जाता था। उस समय यह बाइजेंटाइन सम्राट की राजधानी थी, जिसे पूरब का रोमन साम्राज्य भी कहा जाता था। यह चर्च 5 साल में बनकर पूरी तरह 537 में तैयार हुआ। यह ऑर्थोडॉक्स इजरायत को मानने वालों का अहम केंद्र भी माना गया। बाइजेंटाइन साम्राट की ताकत का भी प्रतीक इसे माना गया और राजाभिषेक जैसे अहम समारोह में इसी चर्च का इस्तेमाल होता रहा। यह इमारत करीब 900 साल तक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का मुख्यालय भी रही। हागिया सोफिया, जिसका मतलब है पवित्र विवेक, लेकिन इसे लेकर विवाद सिर्फ मुसलमानों और ईसाइयों में ही नहीं है। 13वीं सदी में इसे यूरोपियन ईसाई हमलावरों ने बुरी तरह तबाह करके कुछ समय के लिए कैथोलिक चर्च भी बना दिया था। चर्च से मस्जिद बनने तक का सफर कैसा था? 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर इस्लाम को मानने वाले ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान मेहद द्वितीय ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। ऑटोमन सुल्तान हेमनत द्वितीय ने इसे बड़ी मस्जिद में तब्दील कर दिया और कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम बदल कर इस्तांबुल कर दिया। तो पहले इस्तांबुल कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था। सुल्तान मेहद ने आदेश दिया कि हागिया सोफिया की मरम्मत की जाए और उसे एक मस्जिद में तब्दील कर दिया जाए। बाद के समय में बाइजेंटाइनी दौर के संगमरमरों को या तो ढक दिया गया या फिर नष्ट कर दिया गया। तब से 1934 तक यह मस्जिद के रूप में रहा। मस्जिद से म्यूजियम कैसे बना? आधुनिक तुर्की के निर्माण कहे जाने वाले
आतातुर्क ने ना सिर्फ इसे सबों के लिए खोल दिया बल्कि इसे म्यूजियम भी बना दिया और इसकी ढकी हुई चित्रकारियों और मार्बल फ्लोर को फिर से सबके सामने लाके खड़ा कर दिया। आतातुर्क ने तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी घोषित कर दिया। हागिया सोफिया के इतने सालों पुराने इतिहास को देखते हुए जब मस्जिद को म्यूजियम बनाया गया तो तुर्की का पर्यटन उद्योग भी बढ़ने लगा। यह देश में सबसे ज़्यादा पर्यटकों को लुभाने वाला म्यूजियम बन गया। अब म्यूजियम को खतरा है और म्यूजियम को बंद करके फिर से मस्जिद बनाने का फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल ही यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर को देखने 37 लाख लोग आए थे। अब इसे अचानक मस्जिद बनाए जाने के बाद इसका विश्व धरोहर का वजूद खतरे में है। बताते चलें कि तुर्की में 1934 में बने कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं जिसके तहत हागिया सोफिया में नमाज पढ़ने या किसी अन्य धार्मिक आयोजन पर पाबंदी है। हालिया घटनाक्रम क्या है, अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है, इस बारे में भी हम आपको बताते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोआन ने इस्तांबुल के ऐतिहासिक हागिया सोफिया म्यूजियम को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने का आदेश दिया है जिससे दुनिया भर की नज़रें तुर्की पर आकर टिक गई हैं। साथ ही जुलाई में अदालत ने हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में बदलने का रास्ता भी साफ कर दिया था। इसके अलावा 1934 के कैबिनेट के फैसले को भी रद्द कर दिया गया है। विवाद लगातार बढ़ने की आशंका क्यों जताई जा रही है, ये भी देख लेते हैं। दरअसल तुर्की पर शुरू में ईसाई धर्म को मानने वालों का राज रहा है और आज भी ईसाई धर्म की भावनाएं इस जगह से जुड़ी हुई हैं। ग्रीस ने इस फैसले का विरोध किया। ग्रीस की सांस्कृतिक मामलों की मंत्री ने इसे धार्मिक भावनाएं भड़काकर राजनीतिक लाभ लेने की राजनीति करार दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोपियो ने भी इस पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा इस इमारत की स्थिति में बदलाव अच्छा नहीं होगा क्योंकि यह अलग अलग धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। यूनेस्को के उप प्रमुख ने भी इस पर अपना एक बयान दिया है। उन्होंने कहा इस चर्च में भविष्य का फैसला एक बड़े स्तर पर होना चाहिए जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की बात भी सुनी जानी चाहिए। आबादी की अगर बात करें तो तुर्की में आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 99.8% जनसंख्या के साथ इस्लाम देश का सबसे बड़ा धर्म है। अनुयायियों में से 70% से अधिक इस्लाम की सुन्नी शाखा से जुड़े लोग हैं जिनमें से अधिकांश हनफी फिकह के मार्ग पर चलते हैं। 20% जनसंख्या अलवी मान्यता से जुड़ी है। 2016 में इस्लाम तुर्की का सबसे बड़ा धर्म पाया गया था जिसकी जनसंख्या 98.3% थी जबकि ईसाई धर्म के मानने वाले महज 0.2% ही थे। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए, ऐसे अन्य विश्लेषक जानकारियों के लिए और देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें TRIPLE.COM पर। धन्यवाद।